नमस्कार। कहते हैं इस संसार की रचना से पहले भी यहाँ एक दिव्य शक्ति थी, जिसने पहले जीवन और फिर जीव को जन्म दिया। यही परम शक्ति सारे ब्रह्मांड में देवी भगवती के नाम से पूज्य हुई। देवी भगवती का सबसे शक्तिशाली रूप देवी महाकाली है, जिनके तेज का सूर्य यूं तो सारे संसार में चमकता है, लेकिन कोलकाता वो धरती है जिसके कण कण में काली है। कोलकाता से काली का संबंध अद्भुत है। काली अपने सबसे जागृत और वैभवशाली रूप में इस धरती पर विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। कोलकाता देवी महाकाली का महानतम शक्ति क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल की ये हृदयस्थली देवी महाकाली की कृपा से परम शक्तिशाली और तेजोमयी हो गई है। देवी ने अपनी शक्तियों से हमेशा इस संसार की रक्षा की है। ऐसा ही एक समय था जब शुम और निशुम नामक दो असुर भाइयों ने सारे संसार में हाहाकार मचा रखा था। कहते हैं देवताओं की प्रार्थना पर माँ भगवती ने शुम और निशुम नामक दो असुरों से भयंकर युद्ध किया। जब शुम निशुम के सेनापति चंड और मुंड ने माँ पर प्रहार करना चाहा, तो उनका मस्तक भीषण क्रोध से तन गया और उसमें से देवी महाकाली प्रकट हुई। माँ के मस्तक से प्रकट होकर देवी काली ने चंड और मुंड का वध किया और तभी से हर युग में अन्याय और अत्याचार से हमारी रक्षा करती आ रही हैं। सर्वानंद करे देवी स्वयं देवताओं के तेज से जन्मी हैं। इस धरती को अन्याय और अत्याचार से मुक्त करने के लिए सभी देवी शक्तियों ने मिलकर जिस महाशक्ति को जन्म दिया, वही महामाया देवी भगवती हैं और माँ काली देवी भगवती का शक्ति रूप है। चंड और मुंड का वध करने वाली देवी को चामुंडा कहा जाने लगा और देवी चामुंडा की सावली छवि देखकर उन्हें काली का नाम दिया गया। माँ आदिशक्ति की त्रिगुण शक्तियाँ देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देश के 51 शक्तिपीठों में अलग अलग नामों और रूपों में वास करती हैं। इन्हीं 51 शक्तिपीठों में से एक है कोलकाता, जहां देवी साक्षात महाकाली के रूप में विराजमान हैं। कालीघाट मंदिर को माँ काली ने अपना धाम चुना है। उनके तेज और करुणा का सूर्य इसी मंदिर की चार दीवारी से उदय होता है और सारे संसार को उजाला देता है। सर्व मांगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ सार। जो सबके मन का हाल जानती हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, वही देवी महाकाली हैं। कालीघाट मंदिर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में एक है। कहते हैं दक्ष के यज्ञ कुंड से जब भोलेनाथ देवी सती को ले जा रहे थे, तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से खंडित होकर उनकी उंगलियां यही इसी धरती पर गिरी थी। जयंती मंगला काली भद्र काली कपा दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा। कालीघाट मंदिर इतना जागृत और चैतन्य है कि यहाँ माँ से कही गई कोई बात अधूरी नहीं रहती। मन्नत के धागे माँ से हमारा बंधन जोड़ देते हैं और माँ हमारी झोलियाँ खुशियों से भर देती हैं। क्षमा दया
त्याग, प्रेम सब उनके शुभ गुण हैं और इन्हीं गुणों से वो हमें सत्चित और आनंद का वरदान देती आ रही हैं। जिसके क्रोध में भी करुणा है और मौन में भी ममता है, वही देवी महाकाली है। मनुष्य ही नहीं, देवता भी सुख और शांति का वरदान पाने इन्हीं के शरण में आते हैं। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कोलकाता काली की नगरी है। काली सच्चिदानंद स्वरूपिणी मां शक्ति हैं और उनके इस धाम को एक और महाशक्ति पावन कर रही है। गंगा मैया की अमृत स्वरूप लहरें कोलकाता के तटों को अपने स्नेह से सींच रही हैं। शिव पुराण में कहा गया है, गंगा इस धरती को मिला ईश्वर का महानतम वरदान है। राजा भगीरथ ने 5000 वर्षों तक तपस्या करके गंगा माँ को इस धरती पर उतारा था। माँ ने उनके पूर्वजों को ताड़ के मुक्ति की जो महायात्रा शुरू की थी, वो आज तक चली आ रही है। आज भी गंगा उतनी ही पावन, उतनी ही फलदायिनी है कि क्षण भर इसके तट पर खड़े रहने से तरन तारण हो जाता है। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भी वरथी च फल्गु सरयुः श्री गंडकी गोमती कावेरी कपिला प्रयाग विनता नेत्रावती त्यादयः नद्यः श्री। एक तरफ गंगा तो दूसरी तरफ काली, कोलकाता जैसे साक्षात देवलोक की छवि बन गया है। गंगा के इस किनारे पर देवी महाकाली दक्षिणेश्वर मंदिर में निवास करती हैं। आज दक्षिणेश्वर की जो महिमा और ख्याति है, इसके पीछे एक अद्भुत कथा है। बरसों पहले यहाँ रानी रश्मिनी नामक महाकाली की एक परम भक्त निवास करती थी। कहते हैं एक बार जब रानी रश्मिनी के मन में वाराणसी जाकर तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई, तो माँ काली ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा, गंगा तट पर मेरा एक मंदिर बनवाओ, मैं स्वयं वहाँ विराजूंगी और इस तरह यही धरती काशी जैसी पावन और फलदायिनी हो जाएगी। रानी रश्मिनी ने माँ का आदेश मानकर दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और तभी से देवी महाकाली दक्षिणेश्वरी काली के रूप में हमें आनंद और अमृत का वरदान दे रही है। रानी रश्मिनी ने माँ काली का आदेश मानकर दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और यहीं से दया, कृपा और ममता की उस अमृत धारा का उद्गम हुआ जो आज भी हमें जीवन दे रही है, प्राण दे रही है। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, देवी महाकाली का स्मरण ही दुखों से मुक्त करने को पर्याप्त है। फिर उनका दर्शन दक्षिणेश्वर जैसे देवालय में हो, इससे शुभ और क्या हो सकता है। काली काल विनाशिनी है। उन्होंने न्याय की रक्षा और अन्याय के विनाश के लिए ही जन्म लिया है। कभी क्षमा से तो कभी दया से, कभी ममता से तो कभी शक्ति से। माँ ने हर युग में हमें सहारा दिया है। माँ दक्षिणेश्वरी साक्षात देवी भगवती का रूप है और उन्हें अम्बा माँ की 10 महाविद्याओं में प्रथम माना जाता है
और माँ की इस शक्ति स्थली में उनकी आराधना भवतारिणी के नाम से की जाती है। श्री रामकृष्ण परमहंस देवी काली के वरद पुत्र थे। कहते हैं यही उनकी आत्म ज्योति प्रज्वलित हुई थी और इसी मंदिर की छवि में देवी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए थे। नारायणी नमोस्तुते। माया कुंडलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी माथंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी। माँ की लीलाएं विराट हैं, इसलिए उनके रूप भी अनगिनत हैं। कहीं वो शक्ति का रूप है तो कहीं श्रद्धा का, कहीं क्रोध का तो कहीं करुणा का। दक्षिणेश्वर की ये पुण्य भूमि जैसे वचन दे रही है कि माँ काली के इस दरबार में हमारी सुनवाई अवश्य होगी। जैसे काली दुख हर के सुखों का वरदान देती हैं, वैसे ही पतित पावनी माँ गंगा जीवन के सभी बंधनों को तोड़कर हमें महामुक्ति की ओर ले जाती है। गंगा स्वर्ग से सात धाराओं में उतरी थी। कोलकाता गंगा मैया की वो पुण्य भूमि है जहाँ इन सातों धाराओं का पुण्य मिलकर एक हो गया है, जिनके शरण में आकर कोई निराश नहीं लौटता। गंगा और शिव का संबंध अमर है। वे शिव ही थे जिन्होंने हमें गंगा जैसी मोक्षदायिनी शक्ति का वरदान दिया था। गंगा मैया के इस पावन तट पर भगवान शंकर जोगेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और अनंत काल तक गंगा के साथ रहने का वचन पूर्ण कर रहे हैं। कोलकाता और काली का संबंध आत्मा और हृदय का संबंध है। यहाँ दक्षिणेश्वर मंदिर में देवी काली भवतारिणी के रूप में वास करती हैं और इसी मंदिर में माँ काली के साथ 12 रूपों में भगवान शंकर का निवास है। इन 12 रूपों में 11 शिव के रुद्र रूप हैं और 12वें रूप में स्वयं शिव शंभु भगवान शंकर विराजमान हैं। शिव की जटाओं से निकली सप्त धारा कोलकाता में पूर्ण गंगा का रूप लेती हैं। संगम सिर्फ नदियों की ही नहीं, मान्यताओं और आस्थाओं की भी मिलन स्थली है। ऐसा ही एक पवित्र तीर्थ है संध्या, ललिता और कांता का संगम। कहते हैं एक बार किसी श्रापवश ऋषि वशिष्ठ का अस्तित्व संकट में आ गया था। उन्होंने इस संकट से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु की आराधना की तो श्री हरि नारायण ने उन्हें स्वर्ग में बहने वाली तीन नदियां संध्या, ललिता और कांता को धरती पर उतारने के लिए कहा। ऋषि वशिष्ठ ने ऐसा ही किया और संध्या, ललिता और कांता के इसी संगम तट पर वो संकट मुक्त हुए। या देवी सर।
माँ दुर्गा की इस सिद्ध स्थली में यूं तो कण कण मुक्ति का वरदान देता है, लेकिन दुर्गा पूजा के दिनों में जैसे कोलकाता की वरद शक्ति और माँ के लिए भक्तों के हृदय में उमड़ती हुई प्रार्थना शक्ति सब असीम हो उठती है। आदि शक्ति की पूजा नौ दुर्गा के रूप में की जाती है। माँ के ये नौ रूप उन नौ लीलाओं के प्रतीक है जिससे ये संसार चलता है। दुर्गा पूजा भक्ति का वो त्यौहार है जब हमें माँ के इन सभी रूपों का दर्शन और आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है। देवी प्रतिमाओं के महाविसर्जन में माँ का भौतिक रूप लहरों में प्रवाहित हो जाता है, लेकिन हर भक्त को ये विश्वास रहता है कि माँ कहीं नहीं गई, वो तो हर क्षण छाया की तरह हमारे साथ हैं। साक्षात प्रकृति का रूप है, हम उसे काली कहे या गंगा, उसकी ममता हर रूप हर नाम में हमें जीवन देती है। कोलकाता में एक और काली के लिए उमड़ती हुई भावनाएं हैं तो दूसरी ओर गंगा की लहरों में बहती हुई शांति की प्रार्थनाएं हैं। आस्थाओं के इस अमर तीर्थ से अब हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आत्मा से परमात्मा के इस यात्रा में। नमस्कार। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद दीप्ति भटनागर।